सरकारी गाइडलाइन के साथ अजमेर में भी 7 तारीख को खुलेंगे धार्मिक स्थल, हुई बैठक। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 5 सितंबर को अजमेर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप की उपस्थिति में 7 सितंबर से धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़े प्रतिनिधियों और पुष्कर तीर्थ से जुड़े अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 7 सितंबर से ख्वाजा साहब की दरगाह और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर खुले, इस पर बैठक में आम सहमति रही, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और SP कुमार राष्ट्रदीप ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह में फूल और चादर पेश नहीं किए जाएंगे। किसी भी जायरीन को अपने साथ फूल और चादर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी प्रकार पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में कोई भी श्रद्धालु अपने साथ प्रसाद और फूल नहीं ले जा सकेगा। दोनों अधिकारियों ने कहा कि दरगाह के बाहर फूल और चादर की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर देग में चावल तैयार करने को लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान, दरगाह दीवान जैनवल आबिदीन के पुत्र सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, अंजुमत सैयद जादगान के सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह आदि ने भाग लिया। सात सितंबर से राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, जिसके लिए प्रिकॉशंस कोविड का प्रसार न फैले इसके लिए जो रखनी है उसके लिए कल दौरा भी किया गया था यहाँ दरगाह का, आज बैठक भी रखी गई थी। खासकर प्रिकॉशन जो बाहर से लोग आएंगे धार्मिक स्थलों पर उनके लिए है कि किसी भी तरह का चढ़ावा ऑफरिंग वो नहीं होगी धार्मिक स्थल पर, चाहे फूल हो, माला हो, प्रसाद हो, चादर हो, किसी भी तरह की ऑफरिंग नहीं होगी। तो कृपया करके उसको ध्यान में रखते हुए ही विज़िट करें। आसपास भी अगर कोई ऑफरिंग की दुकान है उसको भी फिर हमें बंद कराना पड़ेगा। किसी भी धार्मिक स्थल पे वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन इसकी व्यवस्था उनको स्थल वालों को रखनी पड़ेगी, एक अनिवार्य शर्त है। और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनको वहाँ पे विज़िट करानी होगी जो भी लोग आएंगे। तो इन्हीं प्रिकॉशंस के साथ 7 सितंबर से धार्मिक स्थल अजमेर में भी खुलेंगे और हम भी इंश्योर करेंगे कि जो भी टेंपल के या फिर दरगाह के जो भी लोग हैं अंदर के वो इस व्यवस्था को पूरा मैनेज करके रखें ताकि कोविड का संक्रमण हमारे धार्मिक स्थलों से आगे न फैले। सर, एक विषय था कि दरगाह में जो दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं एंट्री पॉइंट्स, तो ये मांग थी कि तमाम दरवाजों को खुला जाए, उस पर कोई निर्णय हो पाया? एक दरवाज़ा अगर खुलता है तो उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि गैदरिंग ज़्यादा ना हो इसलिए ज़्यादा दरवाजे खोले जाएंगे। आदिल साहब जी, सर आज जो बैठक हुई थी दरगाह को लेकर क्या नियम लिए? देखिए, कल जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन आई थी कि 7 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, उसके क्रम में अजमेर जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसको भी खुलना है, तो हमने कल एक पहले से एक मीटिंग तमाम अंजुमन और खुदाम हजरात और जो बारीदारान है और जो दीवान साहब के जो नुमाइंदे हैं, तो हम सब लोगों ने एक मीटिंग की थी और उसके अंदर ये तय किया था कि हम को दरगाह खोलनी है, दरगाह के अंदर जो रसूमात है जो चली रही है और जायरीन जो आए उनको हाजिरी देने का वो पूरी तरीके से हाजिरी दे लें और गेट मैक्सिमम खुले, आसपास के मार्केट खुले, ये सब बातें हमने प्रशासन के सामने रख दी है। प्रशासन ने उन सब बातों को गौर किया है और हमने तय ये किया है कि दरगाह खुले, दरगाह के मैक्सिमम गेट खुले और कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बता दिया है कि जो 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, बच्चे नहीं आए, और हम लोग जो दरगाह कमेटी है, अंजुमन है और दीवान साहब के नुमाइंदे, हम सब लोगों की और प्रशासन की ये कोशिश रहेगी कि जो जायरीन जो आएंगे उनको किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हमको संभालना है कि भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, तमाम जो जायरीन अंदर जाएंगे वो
मास्क लगा के जाए, उनका हम लोग जो है उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और वहाँ पे गेटों के ऊपर हम लोग जो है सैनिटाइज़र के वो लगाएंगे ताकि वो लोग सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सके। और वो सैनिटाइज़र भी हमने ऐसा हमको मिला है जो जिसके अंदर एल्कोहल नहीं होगा, वो हमने मंगवा लिया है, उसी को लगाएंगे ताकि अंदर जो है जो दरगाह की जो पवित्रता है, पाकिजगी है, उसके अंदर वो बनी रहे। तो इन सब बातों का ख्याल रख के आज बात हुई है। एक बार थाने पर और मीटिंग हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दरगाह 7 तारीख को खुल जाएगी और इसकी मैं तमाम जो गरीब नवाज के जो अकीदतमंद है, जो उनको मानने वाले हैं, जो श्रद्धालु है, उन सबको कहना चाहूँगा कि आप आइए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। सबसे जो बड़ा मकसद वो ये है कि सबकी, लोगों की जो जायरीन है उनकी जानों की हिफाजत हो, लोगों की हिफाजत हो, और वो 7 खैरियत से यहाँ पे अपनी जियारत करके, अपने दर्शन करके वो 7 खैरियत से अपने घरों को